सत जी, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं अराइवल 18P। स्वागत है आपका अराइवल 18P की एक और न्यू वीडियो में। आज हम स्वराज 745 XT 5 स्टार व प्रीत 649 का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। स्वराज 745 XT 5 स्टार आता है 50 HP में, तो वहीं प्रीत 649 आता है 60 HP में। दोनों ही ट्रैक्टरों की HP में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लेकिन दोनों की कीमत में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर किस प्राइस रेंज पर कैसे फीचर ऑफर करता है। सबसे पहले अगर हम दोनों ही ट्रैक्टरों के ओवरऑल व्यू की बात करें तो स्वराज 744 XT आता है स्वराज की ओल्ड क्लासिक लुक्स के साथ। सामने की तरफ दो हेलोजन हेडलैम्प्स व नीचे की तरफ स्वराज की बैचिंग देखने को मिलती है। तो वहीं प्रीत 649 का सिंगल पीस बोनेट मिलता है आपको एरोडायनेमिक डिजाइन में। सामने की तरफ दो हेलोजन हेडलैम्प्स व नीचे प्रीत का लोगो दिया गया है। इसी के साथ इसके बोनेट को आप इसकी की से ही खोल सकते हैं। जहां प्रीत 649 में आपको मिलता है नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल, तो वहीं स्वराज 744 XT में दिया जाता है एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल। अगर दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो स्वराज 744 XT में दिया गया है 3478 cc DI 3 सिलेंडर वाटर कूलर डीजल इंजन, जो 2000 रेटेड RPM पर 50 HP की ताकत देता है। तो वहीं प्रीत 649 में आपको मिलता है 4087 cc DI 4 सिलेंडर वाटर कूलर डीजल इंजन, जो 2200 रेटेड RPM पर 60 HP की ताकत देता है। दोनों ही ट्रैक्टरों के टॉर्क के बारे में कंपनियों द्वारा नहीं बताया जाता है। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको माइक्रो बोश का इनलाइन फ्यूल पंप दिया जाता है, लेकिन 744 XT में मिलता है आपको 3 सिलेंडर इनलाइन फ्यूल पंप, तो वहीं प्रीत 649 में दिया गया है 4 सिलेंडर इनलाइन फ्यूल पंप। स्वराज 744 XT में दिया गया है 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर, जबकि प्रीत 649 में दिया जाता है ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट एयर क्लीनर। दोनों ही ट्रैक्टरों में एक ही तरह का प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, पुश टाइप क्लच व ब्रेक पेडल के साथ। अगर दोनों ही ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन की बात की जाए तो स्वराज 744 XT में दिया जाता है स्लाइडी मैश व कॉन्स्टेंट मैश के कॉम्बिनेशन वाला सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स स्पीड के साथ। प्रीत 649 में भी आपको सेम ही गियर बॉक्स देखने को मिलता है सेम गियर स्पीड के साथ, लेकिन इसमें आपको साइड शिफ्ट गियर बॉक्स व हाई लो मीडियम का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप चाहें तो, जबकि 744 XT में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी के साथ दोनों ही ट्रैक्टर आते हैं ड्यूल व डबल क्लच के साथ। अगर लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो 744 XT में दी जाती है 1700 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ, जबकि प्रीत 649 में आपको मिलती है 1800 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। डैशबोर्ड की बात की जाए तो प्रीत 649 में आपको काफ़ी स्टाइलिश डैशबोर्ड देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, जबकि 744 XT में आपको ओल्ड मिलिट्री टाइप ही डैशबोर्ड देखने को मिलता है। दोनों ही ट्रैक्टरों में पावर स्टेयरिंग दिया गया है, लेकिन जहां प्रीत 649 में आपको मिलता है डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग, तो वहीं 744 XT में दिया जाता है सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो प्रीत 649 में आपको मिलते हैं 750/16 के फ्रंट टायर व 1628 के रियर टायर, जबकि 744 XT में आपको 750/16 के फ्रंट टायर व 1428 के रियर टायर दिए जाते हैं। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो प्रीत 649 में आपको मिलता है 67 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक, तो वहीं 744 XT में दिया गया है 50 से 55 लीटर का फ्यूल टैंक। अगर दोनों ही ट्रैक्टरों के बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो दोनों में ही आपको रियल एक्सल स्टेट ही देखने को मिलते हैं बेवल गियर रिडक्शन के साथ। इसी के साथ दोनों ही ट्रैक्टरों में पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर, वाटर बॉटल होल्डर, टॉप लिंक व डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल दिए जाते हैं, लेकिन 744 XT में आपको पीछे की तरफ इजी हिच का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो 649 में आपको देखने को नहीं मिलता है। PTO पावर की बात की जाए तो 744 XT में आपको मिलती है 44 HP की PTO पावर, 540 लाइव
मल्टी विथ रिवर्स पीटीओ स्पीड के साथ। तो वहीं प्रीत 6049 में दी गई है 51 HP की पीटीओ पावर 540 लाइव मल्टी विथ रिवर्स पीटीओ स्पीड के साथ। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको बेसिक फीचर तकरीबन एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। दोनों में ही आपको 2 साल 2000 घंटे की वारंटी दी जाती है। अगर दोनों ही ट्रैक्टरों के अनुमानित प्राइस की बात की जाए तो स्वराज 744 XT आपको मिलता है 6,90,000 से 7,50,000 रुपये तक, जबकि प्रीत 6049 आपको मिलता है 6,50,000 रुपये से 7,25,000 रुपये तक। कीमत जगह व मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इस वीडियो का मकसद किसी भी ट्रैक्टर को अच्छा या बुरा दिखाने का नहीं है। दोनों ही ट्रैक्टरों का कंपैरिजन प्राइस रेंज के आधार पर किया गया है, क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर तकरीबन एक ही प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर कंपनियां काफ़ी भरोसेमंद ट्रैक्टर कंपनियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रीत 6049 आपको स्वराज 744 XT के मुकाबले ज़्यादा फीचर व ज़्यादा ताकत ऑफर करता है कम प्राइस रेंज में। सो अंत में यह आप पर निर्भर है कि आपको कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा पसंद आता है। आपको दोनों ही ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताजो आपको ऐसी और वीडियो मिल सके। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।